ये था तुम्हारा प्रोडक्ट रूल था, उसके बाद पोस्टेड रूल देखो तुम्हारा। भाई क्वेश्चन रूल क्या होता है, ऐसा रहता है उसका यू बाय भी मेथड, जिस मेथड भी बोलो, ये सेम थिंग है थोड़ा। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाय भी स्क्वायर, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाय भी स्क्वायर, और ऐसे में एफ एक्स बाय जी एक्स भी करते हो नो प्रॉब्लम, एंड सेम थिंग डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन रेड सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाय भी स्क्वायर, ओके बाय भी स्क्वायर, ओके सब। जैसे एक क्वेश्चन दिया, लिख दिया डेड सेम थिंग है, इसमें माइनस लगता है ओके और जी एक्स का होल स्क्वायर होता है। सपोज मैं एक क्वेश्चन दिया हूँ कि एग्जांपल, सो डेरिवेटिव सपोज में निकालना है एक्स का पार एट बाई, एक्स का पार एट बाई साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल क्या होगा, ये फॉर्मूला जो नहीं लिखे थोड़ा लगे, यह आएगा डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, सेम फॉर्मूला है सिर्फ माइनस लेते, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड ओके माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट बाय भी स्क्वायर, मीन तुम्हारा साइन एक्स का होल स्क्वायर, रेड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड माइनस रेड सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, ये एट एक्स का पावर सेवन है इंटू साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स है, एक्स टू दर एट बाई साइन स्क्वायर एक्स। सब जैसा एक तो क्वेश्चन दिया, डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारा नाइन टैन एक्स बाय एक्स क्यू, नाइन टैन एक्स बाई ए, तुम नाइन को क्या करोगे, क्या करोगे पहले, यस ये तुम्हारा टैन एक्स बाई एक्स क्यू, ये थोड़ा इसका डेरिवेटिव बनाओ, तुम्हारा क्या आ रहा है बनाओ फॉर्मूला डाल के, फॉर एक डेड फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट बाई भी स्क्वायर, ओके तो क्या आएगा, ये नाइन डेव टेन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यू माइनस डेड एक्स एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स बाई एक्स टू द्वारा सिक्स, नाइन होल ब्रैकेट में ओके। ये थोड़ा बच्चों क्वेश्चन रूल था ओके। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू चेन रूल, जो नहीं समझा वीडियो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज दे देंगे तुम्हारा चेन रूल देखो, सब तुम्हारा ऐसा है क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स टू द फाइव। बच्चों इसका शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग कट मेथड है, पहले एक्स फाइव का डेरिवेटिव होगा, शॉर्टकट मेथड पहले एक्स फाइव का डेरिवेटिव होगा, कौन बोले एक्स फाइव का डेरिवेटिव, फाइव एक्स टू दर फोर, उसके बाद साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा, ये इसका आंसर है। बच्चों हमारा डेरिवेटिव ऑफ सपोज साइन एक्स है, ये तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, जब ये दोनों सेम नहीं होता है तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। सब तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ तुम्हारा साइन एक्स है, साइन थीटा है, तो इधर भी वही सेम थीटा होना जरूरी है, तब जाके अप्लाई होगा डेरिवेटिव साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा, डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा होना बहुत जरूरी है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ये इसका और ये दोनों सेम नहीं है,
जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये और ये सेम नहीं है, इसको पहले सेम बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद तो उसका डेरिवेटिव होगा, नहीं तो नहीं। तो क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का पावर फाइव है विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स का पावर फाइव करना पड़ेगा, जब डिवाइड किए तो एक टू इंटू करना है, जो तुम्हारा है वही विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइड करना है, डिवाइड किए तो एक इंटू करना है बस। अब डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा सेम होना जरूरी है, सेम हो तो होगा नहीं तो नहीं। तो तुम्हारा कॉस थीटा व्हाट इज थीटा, देन डेरिवेटिव एक्स टू द फाइव विथ और एक टू डेरिवेटिव एक्स तभी अप्लाई होगा एक्स टू एन, ये दोनों सेम होना जरूरी है। डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों सेम होना है, तो ये ठीक है तो होगा। डेरिवेटिव एक्स टू द फाइव होगा फाइव एक्स फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये शॉर्टकट मेथड था ये। नेक्स्ट ये वाला समझ, क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ टैन लॉग एक्स टू द स्क्वायर, बच्चे इसका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड देखो, पहला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लॉग एक्स वही जो एक्स है उसका लोगे, जो ये है उसका ये वही लोगे, डेरिवेटिव लॉग एक्स वन बाई एक्स, ये है उसका वन बाई एक्स, एक्स ये है, ये लॉग एक्स था वही आया, डेरिवेटिव लॉग एक्स वन बाई एक्स, देन डेरिवेटिव टैन एक्स स्क्वायर जो है वही लोगे, लॉग बेस ही होता है नेचुरल लॉग, एल एन भी बोल सकते हो। पहला टू एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर टैन एक्स इसको पूरा, इसको तुम ये लोगे थीटा लोगे, डेरिवेटिव टैन थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, जो थीटा है वही लिखोगे, सेक्स स्क्वायर ये इसका थीटा है, ये शॉर्टकट मेथड था, लॉन्ग कट मेथड तो सही है। देखो पहला डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स ये लॉग एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव टैन थीटा तब भी अप्लाई होता है, ये दोनों और सेम होना, इसलिए ये और ये सेम होना जरूरी है, इसलिए डेरिवेटिव के बाद तुम्हारा ये और ये दोनों सेम होना जरूरी है, तभी जाके डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं तो नहीं होगा। इसलिए सेम एक तो क्या टैन का जो थीटा है वही एक तो डिवाइड करोगे क्या लॉग एक्स स्क्वायर, ओके डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू ये डिवाइड किए, डेरिवेटिव ऑफ ये डी विथ रेस्पेक्ट टू ये डिवाइड किए, जो थीटा है वो डिवाइड किए, ओके डिवाइड किए तो इनटू करना है। अभी एक्स स्क्वायर का तभी अप्लाई होगा ये और इसका सेम होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर तब भी अप्लाई होगा ये और ये सेम होना जरूरी है, एक्स स्क्वायर डिवाइड किए तो इनटू करना होगा, ओके डेरिवेटिव टैन एक्स विथ टैन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा सेम होना जरूरी है, ये और ये सेम होना, हाँ सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है लॉग एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव लॉग एक्स वन बाई एक्स, एक्स क्या है ये डेट एक्स स्क्वायर टू एक्स, देखला नेक्स्ट क्वेश्चन डेरिवेटिव सपोज डेरिवेटिव ऑफ द ये टू द्वार साइन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ ये टू द्वार साइन एक्स क्यूब,
उसका शॉर्टकट मेथड कौन बोलेगा? यस, पहला इसका डेरिवेटिव होता है शॉर्टकट मेथड। तो डेविड एक्स क्यूब 3x2, डेविड साइन एक्स कॉस एक्स, कौन जानते हो डेविड? हाँ, साइन एक्स। उसके बाद डेविड ई टू द एक्स, हाँ इन टू ई टू द एक्स, एक्स कौन जानते हो? साइन एक्स। पहला एक्स क्यू का डेरिवेटिव हुआ, देन साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ, देन ई टू द एक्स का डेरिवेटिव। बच्चों डेरिवेटिव इसका आंसर सही लॉन्ग कर थोड़ा। हमारा डेरिवेटिव ई एक्स तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। तो सेम नहीं है ये साइन एक्स क्यू, एक तो सेम थिंग डिवाइड करो, डिवाइड किए तो एक तो क्या करना है, इनटू करना है। देखो साइन का तभी अप्लाई होगा ये दोनों सेम होना है, ये डिवाइड किए, डिवाइड करे तो एक इनटू करना है डी एक्स क्यू बाय डी एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द एक्स, डेरिवेटिव ई टू द एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी टू द एक्स, डेरिवेटिव साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव एक्स क्यूब। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन एक्स का होल क्यूब और साइन क्यू एक्स, और यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स का होल क्यूब, ये कैसे होगा? साइन एक्स, साइन क्यू एक्स जो है साइन एक्स का होल क्यूब वही है। द्वारा साइन क्यू एक्स जो है साइन एक्स का होल क्यूब वही है, इक्वल नहीं होता है, ये होता है तो साइन क्यू एक्स नहीं साइन एक्स का होल क्यूब होता है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बच्चों? पहला ये डेरिवेटिव एक्स टू द एन, ये तभी अप्लाई होता है ये जब भी तुम्हारा पावर आ गया तो अप्लाई करो। देखो डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर भी एक्स टू द एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है जब ये और ये दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर अगर इसका शॉर्टकट मेथड में करते हैं, पहला शॉर्टकट मेथड क्या है, पहला सुना शॉर्टकट मेथड वही, पहला इनसाइड का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर इसका एक्स टू द एन का डेरिवेटिव, इसका एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस वन थ्री माइनस वन, शॉर्टकट मेथड पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव, फिर इसके बाद एक्स टू द एन का डेरिवेटिव दैट इज एन एक्स इंटू एन माइनस वन थ्री माइनस वन, ये शॉर्टकट मेथड है। इसका लॉन्ग कट देखो, ये साइन एक्स का होल क्यूब है बच्चों। डेरिवेटिव तभी अप्लाई होता है ये दोनों दोनों क्या होना है, सेम होना जरूरी है। तो एक तो इसलिए डेरिवेटिव ये और ये सेम होना जरूरी है, इसलिए एक तो डिवाइड किए, डिवाइड किए तो एक तो इंटू किए बाय क्या डी एक्स। डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स इंटू एन माइनस वन सी साइन एक्स एन एक्स इंटू, ये तो एक्स है विथ रेस्पेक्ट ये सेम है अप्लाई होगा एन एक्स इंटू एन माइनस वन थ्री माइनस वन, डेरिवेटिव साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डेरिवेटिव ये कॉस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव बच्चों पहला इसका इनसाइड का डेरिवेटिव देखो कैसे होता है, इसका शॉर्टकट मेथड, पहला एक्स क्यू का डेरिवेटिव, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन
एक्स क्यू थीटा उसका है, डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बोल रहा था, अभी मैं बोल रहा था रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स ये इसका आंसर है। डेरिवेटिव रूट एक्स याद रखेंगे, बोल रहा था कि 1/2 रूट एक्स इसका। तो इसका लॉन्ग कट मेथड करते हैं। ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम प्रूव करेंगे सभी लिमिट फॉर्मूला में, साइन एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, इसका सब प्रूव होगा। ओके तो लॉन्ग कट मेथड में इसका देखो हमारा ये पहला बच्चों एक्स टू द एन का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव एक्स टू द एन तभी अप्लाई होता है, ये और ये दोनों सेम होता है, मीन्स ये कॉस एक्स क्यूब का पर हाफ है, ये तभी अप्लाई होता है, ये और यहाँ पर एक तो सेम बनाना है कॉस एक्स क्यूब डिवाइड किए तो इंटू करना है, ये यहाँ पर एक तो डिवाइड करोगे, फिर डी एक्स क्यूब है क्या डी एक्स। तो बच्चों ये डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला है, एन एक्स इंटू एन माइनस वन, डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव एक्स क्यूब 3x2। ओके तो अभी मैं बोल रहा था हाफ ये माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा जब नीचे आ जाए प्लस हाफ होगा, प्लस हाफ मीन से रूट होगा कॉस एक्स क्यूब, और ये तुम्हारा माइनस रख सकते हो ये 1 × माइनस साइन कितना एक्स क्यूब इंटू कितना 3x2। ठीक है बच्चों।